नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ताजे और फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यह सेटअप आपको देख करके ही पता चल रहा होगा कि आज हम कहाँ पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर के मार्केटिंग फील्ड के सबसे तगड़े यूट्यूबर, जिसे हम बोल सकते हैं गोरखपुर के मार्केटिंग के बादशाह, आज हम उनके सेटअप पर आ चुके हैं। सेटअप देख करके ही आप लोगों को पता चल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है सिल्वर प्ले बटन, जो कि बहुत सारे यूट्यूबरों का ख्वाहिश होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इनके सेटअप पर देखने को मिल जा रहा है। मार्केटिंग फील्ड के ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन तो इनके बहुत सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पर इतने बेहतरीन तरीके से सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इनके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं कि किस प्रकार से ये मेहनत किया करते थे, और आज उसी मेहनत का नतीजा है कि आप लोगों को यहाँ पर सीधे सिल्वर प्ले बटन देखने को मिल रहा है। इसे तो हमें चूमने का मन करता है, क्योंकि वास्तव में ये सिल्वर प्ले बटन बहुत सारे यूट्यूबरों का ख्वाहिश होता है, और सबकी ये इच्छा होती है कि एक ना एक दिन हमें जो है कि सिल्वर प्ले बटन हमारे पास भी आए। तो फिलहाल हम आपको इनके जो है कि जीवन टूर के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कितना बेहतरीन तरीके से ये परिश्रम किए, और आज इनके परिश्रम का रिजल्ट ये आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोगों को मिलाते हैं और आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड करा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे नीतीश भाई। सबसे पहले नमस्कार भैया। नमस्कार। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। विकास जी अपना बताइए। हमारा भी बहुत ही बढ़िया है। हमें बहुत ही बड़ा अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपका वीडियो जो है कि शूट करने आए। आपने हमें मौका दिया कि हम आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे आपके तो, जो है कि स्ट्रगल वाली जर्नी के बारे तो में। आपको हम धन्यवाद कहेंगे कि जी आप जी। अपने चैनल पे हमें लेकर आए हैं। जी जी बिल्कुल। इसके लिए आपको भी धन्यवाद, और जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपको यूट्यूब के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, और जो है कि आप किन से इंस्पायर होकर के जो है कि यूट्यूब पर एक कदम आगे बढ़ाए थे। शुरुआत में वीडियो हम यूट्यूब पे बहुत सारे देखते थे, लेकिन 2018 में हम इस चैनल का शुरुआत किए थे। ठीक है, नीतीश त्रिपाठी के नाम से चैनल है। अभी इस पर आगे चर्चा होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन 2018 में हम देख रहे थे काफ़ी सारे ब्लॉगर जो लाइफ स्टाइल वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के वीडियो अचानक बैठे बैठे घर पे स्क्रॉलिंग कर रहे थे, वीडियो को देखते रहे। तो एक दया शंकर नाम का एक ब्लॉगर है। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उनको। तो उनकी वीडियो देख के हम लाइफ स्टाइल, वो नॉर्मल जो चीजें दिखती थी उसी चीज को वो दिखाते भी थे। ज्यादा उनकी वीडियो में एडिटिंग नहीं रहता था। मतलब अधिक भैंस को चारा खिला रहे हैं तो वो भी दिखा देते थे, गोबर फेंक रहे हैं तो वो भी दिखा देते थे। मतलब जो करते थे वही दिखाते थे, सारी चीज़ें दिखा देते थे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ शर्माना या ये दिखा देंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें रहती थी वो दिखाते थे। तो हमें भी लगा क्यों ना हमको भी वीडियो बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो बाहर तो थोड़ा सा हम संकोच खाते थे कि बाहर जाकर वीडियो बनाएंगे तो फलाने साहब क्या देख के कहेंगे। तो इसी वजह से हम बाहर ना जा करके घर में ही वीडियो बनाना शुरू कर दें। घर में साफ सफाई चल रही है तो उसी में थोड़ा बहुत कैमरा इधर उधर करके घुमा घुमा के दिखा देना, थोड़ा सा कुछ भी खाते थे उसमें भी दिखा देते थे। तो ऐसे ही जो है लाइव के जो हमारी वीडियो की शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी, और एक ब्लॉगर को ही देख के अपने चैनल का हम शुरुआत किए थे। जैसे कि आप जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे तो सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि बहुत सारी समस्याएं आती है, ये एक नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आपके साथ कौन कौन सी दिक्कतें आई और आपने उन दिक्कतों से कैसे छुटकारा पाया? देखिए, शुरुआत में दिक्कत तो पहले तो लोगों को फेस करना सबसे बड़ी दिक्कत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जब आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो पब्लिक में जाकर वीडियो करना सबसे बड़ा चुनौती का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर जब हम पब्लिक के बीच में जाते थे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी, लोग देखेंगे तो कहीं ऐसा ना बोले कि कितना इसके पास नॉलेज है, क्या बना रहा है, तो थोड़ा बहुत वो सब सोच के डर लगता था। फिर आधा ये सोच के डर लगता था कि बोलेंगे क्या, लोगों के बीच में क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत बांधते थे, धीरे धीरे बोलते थे, आवाज़ थोड़ी हल्की थी लेकिन फिर भी प्रयास करते थे हर चीज़ का। लोग देखते भी थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं करता था, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं हम फेस नहीं करते थे। सिर्फ हमको इतना पता था कि यहाँ हम खड़े हैं, सामने हमारे कैमरा खड़ा है, और हमारे पास सिर्फ कैमरे सो रही है और लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है। अच्छा। तो ऐसे ही कठिनाइयाँ बहुत सारी आई यहाँ पर। फैमिली सपोर्ट वैसे हमको हमेशा से मिला है। अच्छा। शुरुआत जब किए थे तब भी हमारे ऊपर फैमिली सपोर्ट था, और आज भी हमारी फैमिली पूरी तरह से सपोर्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे समाज के लोग होते हैं तो जब देखते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो
ऐसा होता है कि वो लोग सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं कोई कुछ बोलता था, कोई कहीं कुछ बोलता था, लेकिन नहीं, हमारा ये था कि हमें करना है तो करना है। जो कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो है कि जब नए यूट्यूबर कोई आता है, यूट्यूब लाइन में जब कोई नया आता है, तो फैमिली तो एक हद तक जब सपोर्ट कर दिया, जब फैमिली से सपोर्ट मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का बात होते हैं रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो इससे क्या आपके पास कोई ऐसी समस्या नहीं है कि रिश्तेदारों से कुछ दिक्कत हुआ? रिश्तेदार भी बहुत कुछ कहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ इंसान ठान लेता है तो बस उसको पूरी करने की चाह उसके अंदर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब किसी चीज़ की आग जल जाती है तो उस चीज़ को पूरा करना है तो करना है। ऐसे ही हमारे दिल में भी ये हो गया था कि हाँ, हमें वीडियो बनाना है और हमें इसी यूट्यूब के दम पे कुछ करके दिखाना है। क्या है कि हमारा उतना पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अच्छा अच्छा, कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? हमारा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। एक साल हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, लेकिन फिर भी कुछ खास हम पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता था। तो वीडियो वगैरह में शुरू से ही हम मूवी वूवी के बड़े शौकीन थे। अच्छा अच्छा, मूवी बहुत ध्यान से देखते थे, कोई सीरियल वीरियल भी बहुत ध्यान से देखते थे और सोचते थे कहीं हमको भी हीरो का रोल मिले। वाह वाह, क्या बात। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ हुनर इंसान के अंदर देकर ही भेजता है, तो हमें अपने हुनर का पहचानने का मौका मिल गया। ईश्वर की कृपा रही कि हम अब कम ही उम्र के अंदर अपने हुनर को हमने पहचान लिया और वीडियो बनाना हम शुरू कर दिए। तो रिश्तेदारों का कोई चिंता नहीं था। अच्छा। रिश्तेदार को जो मन करे वो बोलना है बोले। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होती थी कि भाई ये अपने होके ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में वही रिश्तेदार पूरी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सफलता पाने के बाद बिल्कुल रिश्तेदार आपका सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना जब फैमिली साथ हो तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ता। बिल्कुल। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में वीडियो बनाते थे तो स्टार्टिंग में किस प्रकार का वीडियो बनाते थे और जो कि अपना चैनल आप कब स्टार्ट किए थे? स्टार्टिंग में 2018 में चैनल का शुरुआत हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वीडियो हम शुरुआत में लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाना शुरू, लाइफ स्टाइल पता है ना आपको कि घर में ही पहले हम बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत में हम पहले घर में ही वीडियो बनाते थे। घर में वीडियो बनाते बनाते हमें लगा कि उन्हें बाहर का सीन दिखाया जाए, तो गोरखपुर में जो भी जैसे कि फेमस हमारे गोरखनाथ बाबा हैं, वहाँ पर हम जाके वीडियो बनाए। कई सारे पार्क हैं, वहाँ पर भी हम जाके वीडियो बनाए। तो शुरुआत अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग से किए थे। सबका सपोर्ट रहा, जितने भी दोस्त हमारे थे उन लोगों का भी सपोर्ट पूरा मिला, और खास खास फ्रेंड जितने भी थे, ये ऐसा नहीं था कि किसी को हम फोन करके बोलते थे कि भाई यहाँ पर चलना है तो वो मना करते, वो साथ चलते भी थे, पूरा सपोर्ट भी करते थे। फिर उसके बाद से हमें लगा क्यों ना अब यहाँ वहाँ भाग के जाना बहुत दिक्कत होता था, तो फिर न्यूज रिपोर्टिंग काम देखें। अच्छा, न्यूज रिपोर्टिंग वाला भी काम शुरू कर दिया। अच्छा, देखिए चलान उलान कट रहा तो माइक लेके हम भी पहुंच गए। अच्छा, बड़ा शौक था हमें। बहुत बहुत मतलब अंदर से जुनून की बहुत डर भी लगता है लोगों को। साइकिल हम उठाए, हम कहें कि जाना है तो बात करना है तो करना है, वो भी हिम्मत बांधते थे, साइकिल उठाते थे, सीधे गोलघर चौराहे पे जाते थे, वहाँ आदि चलान करता था तो सीधे लोगों के पास जाके पूछते थे। अच्छा, कुछ कुछ लोग हमारे ऊपर भड़क भी जाते थे। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ऐसा काम करने के लिए, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। तो यहाँ से न्यूज रिपोर्टिंग का काम शुरू हो गया। अच्छा, कुछ दिनों तक लोगों के साथ इंटरव्यू हुआ, लोगों के साथ इंटरव्यू भी किए, लेकिन ये होता है कि जब किसी के साथ इंटरव्यू करने जाते थे भैया, तो कुछ कुछ लोग थोड़े से भाव में आ जाते थे। नहीं होता है कि कुछ लोगों के पास घमंड हो जाता, नहीं भैया अभी टाइम नहीं, हम बाद में देंगे, अभी टाइम नहीं, हम बाद में देंगे, तो थोड़ी सी अंदर से तकलीफ होती थी कि इतना दौड़ के वहाँ तक उनके पास जाना, ऊपर से वो टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको हमारे टाइम की कोई कोई वैल्यू नहीं हमारे टाइम की, लेकिन उनको ये पता है कि हमें हम इस काम पे जाना है, लेकिन ये उनको चिंता नहीं होती थी कि सामने वाला बंदा होते हैं तो उससे आया हुआ, तो ऐसे तकलीफ होता था तो हम वो लाइन छोड़ दें। अच्छा अच्छा, आप नहीं, अब आप इस समय कौन सा वीडियो बनाते हैं? अब दूसरे का इंटरव्यू नहीं लेंगे, दूसरे के घर नहीं जाएंगे। अच्छा, अब करेंगे तो कुछ अलग करेंगे। अच्छा, उसी के दौरान एक मीटअप हुआ था यूट्यूबर्स का ही। अच्छा, उसी में एक ब्लॉगर हमें मिले जो बताए कि आप अपने ही शहर से, आप अपने ही घर से कुछ ऐसा शुरुआत करिए ताकि आपको भी फायदा हो, सामने वाले को भी फायदा हो, और इससे एक तरह से जानकारी वाली वीडियो भी बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने घर में कुछ ऐसा सोचे, तो एक कैमरे की दुकान पे हम गए, वहाँ पर सिर्फ हम वीडियो बनाने, एक ही वीडियो वहाँ पे बनाया तो वीडियो अच्छी खासी चल गई। अच्छा, और लोगों का कमेंट भी आया कि नीतीश भाई यहाँ पर कौन सा कैमरा मिलता है, कैसे यहाँ पर जाएं, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। बहुत बहुत खुशी मिली, अच्छा लगा लोगों का कमेंट देख के कि लोगों की मदद तो ऐसे हो रही है। बिल्कुल भाई, जिनको उस जगह के बारे में नहीं पता हम उसको उन जगह के बारे में बता रहे हैं।
तो हमें लगा कि मार्केटिंग लाइन ही सबसे बेहतर है, तो हम भी शुरुआत कर दिए। और उस समय गोरखपुर का सबसे वायरल वीडियो हमारा गोरखपुर का चोर बाजार हो गया। अच्छा, गोरखपुर का चोर बाजार में भी एक सीन हो गया था, उसमें यह दिक्कत हुआ कि पहला हर मंगलवार को मार्केट लगता है, पहला मंगलवार की वीडियो हम बना के आए, सारा वीडियो बना के आए तो बहुत खुश थे कि हाँ आज वीडियो अपलोड होगा, लेकिन संयोग से वो पूरी वीडियो डिलीट हो गई। क्यों, क्या दिक्कत आई? वो कुछ सिस्टम में खराबी थी। अच्छा। दिक्कत आई तो वीडियो पूरी डिलीट हो गई अचानक। अच्छा अच्छा, पहले आप किस मोबाइल से वीडियो बनाया करते थे? मोबाइल तो हमारा सैमसंग का था। अच्छा, 10,000 का मोबाइल रहता था। अच्छा अच्छा, और 10,000 के मोबाइल से ही शुरुआत हुई थी, जर्नी की शुरुआत हुई थी। अच्छा। लोग कहते हैं ना कि नितेश भाई यूट्यूब पे आ रहे हैं तो कौन सा कैमरा लिया जाए। हाँ। तो हम उन्हीं से कहना चाहेंगे कि किसी भी आपको कैमरे की जरूरत नहीं, एक हाथ में आपके स्मार्टफोन है ना, उस वही स्मार्टफोन आपकी ताकत है, उसी स्मार्टफोन से आप कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, तो चोर बाजार में हमने फिर दूसरी बार वो हिम्मत हम नहीं आ रहे हैं। अच्छा। हमारी वीडियो डिलीट हो गई तो हम अब नहीं जाएंगे बनाने के लिए, फिर अगले मंगलवार का इंतजार किए, फिर गए उसी में वीडियो बना के। अच्छा। और वो वीडियो सबसे हिट निकली, 2 लाख के 3 लाख के अप्रॉक्स। अच्छा। निकला, और उसी पे विवाद भी हो गया कि गोरखपुर। अच्छा। को चोर बाजार क्यों में आ गया। अच्छा, वहीं से फेमस हो गया। अच्छा, वाह वाह, बहुत ही दिलचस्प कहानी रही आपकी। लेकिन फिलहाल में आज इस समय आप वीडियो बनाने के लिए कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं? अभी ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं। चलो, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, हर जगह से लोग बुलाते हैं, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। पहले सोचते थे कि गांधी सेतु पुल एक पटना में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल, उसको हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि हाँ ये गांधी सेतु पुल है, यहाँ पर ये चीजें होती हैं और सबसे लंबा पुल है। लेकिन आज के डेट में हमारे जितने भी भाई लोग हैं उन्हीं लोगों का प्यार सपोर्ट है कि आज हम 8-8, 9-9 बार वहाँ पर जा चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम जिनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ लेते हैं, और सिर्फ भाई लोगों का सपोर्ट था कि आज हम वहाँ पर गए भी हैं, उसको देखे भी हैं, वहाँ पर लोगों से मिले भी हैं। मतलब जो पहले ख्वाहिशें हुआ करती थी आज वो सपने पूरे हो रहे हैं। पूरे हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आप जब मान लीजिए वीडियो तो बनाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वीडियो बनाने के कितने समय के बाद आपका चैनल जो है कि मोनेटाइज हुआ था? वीडियो बनाना 2018 में शुरुआत किए थे, कुछ ऐसा हुआ था कि बीच में हम छोड़ भी दिए थे। अच्छा, नहीं, छोड़ काम किए थे, फिर 6 महीने तक छोड़ने के बाद फिर काम शुरू किए, तो साल भर बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। ज्यादा समय नहीं लगा था, लेकिन यदि वही चीज हम पहले मेहनत किए होते तो पहले शायद हो गया होता। अच्छा अच्छा, चैनल मोनेटाइज होने के बाद कितने समय के बाद आपको पहला पेमेंट रिसीव हुआ था? पहला पेमेंट हमको लगता है कि 6 महीने बाद ही आया था। 6 महीने बाद ही पहला पेमेंट आ गया था आपका? क्योंकि पहला जो मेहनत होता है ना वही सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल, ठीक है, यूट्यूब का ऐसा रूल रेगुलेशन है कि पहले तो आप वीडियो बनाना शुरू करें, उस समय का थोड़ा सा अलग ही उनका सारा रूल रेगुलेशन था कि मेहनत कुछ ज्यादा ही करना पड़ता था। 1,000 सब्सक्राइबर करने में बहुत लोगों के होश उड़ जाते थे, 4,000 घंटे वॉच टाइम करने में लोगों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन यही था कि लोगों का प्यार सपोर्ट था और भगवान की ईश्वर की कृपा थी, अपनी मेहनत थी कि वो 6 महीने के अंदर ही कम्प्लीट हो गया। जब आपका पहला पेमेंट आ गया, उस पहले पेमेंट को जिसे बहुत सारे यूट्यूबरों का ख्वाहिश होता है कि मेरा पहला पेमेंट आता तो वास्तव में दिल को सुकून मिलता, लेकिन जब आपका पहला पेमेंट आया था तो आपने उस पेमेंट को कहाँ पर इस्तेमाल किया था? पहला पेमेंट तो जब आया था तो वो पेमेंट हम अपने दादी जी के हाथों में रखे थे। अच्छा अच्छा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ कि घर का कोई एक सदस्य कमाने के लायक हो गया, ठीक है, तो वही पहला पेमेंट अपने दादी के हाथों में रखे थे और बहुत ही खुश हुई थी हमारी दादी। अच्छा जी, क्या यूट्यूब के अलावा आप कोई और भी काम करते हैं? अभी तो फिलहाल पढ़ाई चल रही है। अच्छा अच्छा, और यूट्यूब पे साथ साथ अभी काम हो रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, 3-4 चीज़ें हैं जिनमें अभी कोई बिजनेस स्टार्टअप के लिए हम सोच रहे हैं कि हाँ, अच्छा अच्छा, बिजनेस स्टार्टअप के लिए अभी सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप किया था ताकि जो भी हमारे भाई लोग हैं उस हमसे भी जुड़े, और जिस बिजनेस के बारे में हम कुछ नया ही करेंगे कंपटीशन के दौरान, क्योंकि बिजनेस में भी बहुत सारे कंपटीशन है, तो इस बीच में कुछ नया ही बिजनेस ओपन करने का अभी कुछ नया बिजनेस ही अभी ओपन करने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं जब ओपन होगा तो उसके बारे में जरूर आपसे बात। हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए कि आप उस स्तर से तो अब इस स्तर पर आ चुके हैं, ये सिल्वर प्ले बटन ही बयां कर रहा है, लेकिन इस स्तर पर आने के बाद आप कितना कमा लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू? कमाई वैसे यूट्यूब रूल रेगुलेशन के खिलाफ भी बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक अंदाजा हम बता सकते हैं कि आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है जितने दाम में आता है उतना हम हर एक महीने में निकाल लेते हैं। क्या बात है, इतनी कमाई आप कर लेते हैं मंथली में,
लेकिन फिर भी अभी तक आप शादी नहीं किए, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है सादा जीवन चल रहा है। अच्छा, ठीक है, अभी कोई नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार चल रहा है। अभी आगे बिजनेस वगैरह का प्लान है। अच्छा, अच्छा, अभी बहुत कुछ करना है, अभी शादी उदी का ऐसा कुछ अभी नहीं है। शादी के बारे में भी नहीं, अभी जब वो आएगा तो उसके बारे में जरूर चर्चा होगी, उसके बारे में जरूर। अच्छा, आपका कौन सा सपना है जो आप बहुत जल्द यूट्यूब की मदद से, एक तरीके से सोशल मीडिया की मदद से पूरा करने वाले हैं? यूट्यूब की मदद से पहला तो बिजनेस एक प्लान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो कि बहुत जल्द हमारा प्लान है कि एक बिजनेस का शुरुआत करें। और दूसरा हमारा शुरू से रहा है, बचपन से रहा है सपना कि एक फोर व्हीलर का। अच्छा, फोर व्हीलर में कौन सी फोर व्हीलर लेने वाले हैं आप? वो तो अब आपको जल्द पता चलेगा कि कौन सा हम लेने वाले हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। शुरू से सपना था, जो शुरू में छोटे थे तो रिमोट वाली कार में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, और आज फोर व्हीलर बड़ी वाली जो गाड़ी है उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है, तो बस एक बिजनेस और एक कार। अच्छा अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आप ही बता दीजिए कि अगर कोई भी इसमें से कोई भी लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पड़ सकती हैं, और कितनी ज़रूरत के साथ ये लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बना करके जर्नी यूट्यूब का स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, पहला तो जब आप शुरुआत करिए तो यदि आपका पढ़ाई चल रहा है, ठीक है, यदि आप स्टडी पीरियड में हैं तो उसमें ज़्यादातर प्रयास करें कि आप पहले अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि यदि आपकी एक पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बेहतर नॉलेज हो पाएगा। हमारी तरह गलती आप मत करिएगा। अच्छा अच्छा, कि हमारा पढ़ाई में नहीं मन लगता था तो हम पहले ही शुरुआत कर दिए थे, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करिए। यदि आप स्टडी पीरियड में हैं तो पहले आप लोग अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यदि यूट्यूब पे आप अपना शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता को ये मत फोर्स करिए कि हमें कैमरा खरीद दीजिए, हमें माइक खरीद दीजिए। सारी सुविधाओं के साथ आप अपना शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्मार्टफोन है वहीं से आप शुरुआत करिए। एक छोटा सा माइक आता है, 700-800 रुपये में मिल जाएगा आपको, बोया का माइक। उससे आप आधी आवाज़ की क्लियरिटी नहीं आ रही है तो वो माइक आप लगा के शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी सुविधाएं हों, आप अपने एक नॉर्मल मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना यदि कुछ करना चाहते हैं तो, यदि कुछ करने का चाहत है, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपना फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि YouTube की शुरुआत करने के लिए किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक नॉर्मल सा मोबाइल हो तो आप YouTube की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जी, प्रेजेंट टाइम में आप अभी इतने बड़े यूट्यूबर हो चुके हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि YouTube की तरफ से अभी आपको क्या क्या चीज़ें जो है कि अचीव करने को प्राप्त हुई हैं? YouTube की तरफ से अभी सिर्फ सिल्वर प्ले बटन अभी आया है। अच्छा, 1 लाख सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से एक सर्टिफिकेट और एक सिल्वर प्ले बटन प्राप्त हुआ है, और आगे इन्हीं लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से गोल्डन बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, उसके बाद डायमंड का प्लान रहेगा। तो ये सब जो भी था, जितने भी हमारे व्यूवर हैं उन्हीं लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से हुआ भी है, और बहुत सारे मीटअप में भी जाने का मौका मिला है, जहाँ तक हम नहीं जा सकते थे वहाँ पर भी जाने का हमें सिर्फ यूट्यूब के द्वारा ही मौका अच्छा मिला है। कुछ समय पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था दिल्ली के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा सारा खर्चा उनके द्वारा उठाया। अच्छा, यहाँ तक कि फ्लाइट से लगाए होटल खाने पीने का, और वहाँ पर जो भी कार्यक्रम था वहाँ पर जाना आना सारा कुछ अच्छा प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। क्या बात है, तो बहुत खुशी होती है कि आज हमारे व्यूअर की वजह से, आज जो भी हमारी जनता सपोर्ट कर रही है उन लोगों की वजह से यूट्यूब का पावर इतना है कि कहीं भी किसी भी कोने और किसी देश के अंदर हम जाके घूम सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जी जी जी, जो चीज़ सपने में देखते थे वो आप हकीकत में उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली नीतीश भैया जी के द्वारा आप लोगों को पूरी जानकारी मिली कि अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एक अच्छा खासा पैसा यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल एक मोबाइल फ़ोन से आप जो है कि एक यूट्यूबर बन के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश भैया, आप लोगों के बारे में अंततः एक दो लाइन कुछ कह देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बस एक शायरी के माध्यम से बोलना चाहेंगे। जी जी, ये शायरी सब लोग सुने होंगे, हर एक किताबों में पढ़े होंगे। अच्छा, पाँचवीं का ये शायरी। अच्छा, पाँचवीं का है जी।
एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती है तो कई बार फिसलती है, और ऐसे ही किसी की मेहनत बेकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपकी यदि कोशिश है, आप अपनी कोशिश को जारी रखे हैं, तो आप कभी भी हार मत मानिएगा और आपकी सफलता बेकार नहीं होगी। एक दिन आप भी जीतेंगे और आप भी सफलता की ऊंचाइयों पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कामयाबी आपके पीछे ही दौड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आप अपने कामों पे ध्यान दीजिए, आप कर्म पे ध्यान दीजिए। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करेंगे। तो फिलहाल अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इनका भी काम है और ये भी अपने काम को, अपने मेहनत को पूरा अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इनको भी सफलता। जी हाँ, बिल्कुल 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 सफलता पानी है। आप लोगों को सफलता तभी मिलेगी जब आप लोग सपोर्ट करिएगा, और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए इनके भी, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई आपको पैसा नहीं देना है, बस ऐसे एक बार क्लिक करना है। जी हाँ बिल्कुल, एक बार क्लिक करना है, और उसे क्लिक करने से आपको फायदा ये होने वाला है कि इस चैनल पर आती रहती है मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो, यानी कि अगर आप एक बेरोजगार हैं तो किस प्रकार से स्टार्टिंग में कम से कम लागत में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कम से कम लागत में कि किस प्रकार से बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छा खासा पैसा आप भी कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल मिलते हैं एक नए ताजे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।